फ्रेंड्स, मैं आपकी प्रिया पिंक। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो मेरे ढेर से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं, और उन लोगों के घर में ढेर सारी आज मिठाइयाँ बन रही होंगी, किसी के लड्डू बनने होंगे, किसी कुछ बनना होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर, और फिर उसके बाद जाएंगे गाँव अपने। और अब बस थोड़ी बात निकलने वाले हैं अभी, और हम लोग तैयार हो गए हैं, मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, और आप बने रहिए मेरे वीडियो पे, आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ। मौसम आज ठंडा है, लेकिन ठीक है, कूल कूल है, हम लोग जा सकते हैं, धूप की कोई संभावना है नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, फनी फनी सा हो रहा है। आज घूमने मज़ा आएगा हम लोगों को, मतलब कह सकते हैं कि हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन ठंड है, ठंड है। चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर, अब हम लोग जा रहे हैं। जल लेना पड़ता है यहाँ से, ये चढ़ाना पड़ता है भोलेनाथ को, तो यहाँ से जल लेंगे अभी हम लोग। जल भरने ये हमारे हस्बैंड लोटा पकड़े हैं, लोटा दिखाओ। हम लोग जल भरेंगे, कौन सी गंगा है इधर? तो कुआं है, है? कुआं है, कुआं से लेना पड़ता है ना। एक कुआं बना हुआ है काफी अंदर, पानी कहीं नदी से नहीं आता है, ऐसे आता है। पत्थर से आता है कुएं में पानी, पता नहीं कहाँ से आता है, ये नहीं पता है किसी को आज तक। और हम उसी कुएं में जा रहे हैं, देख सकते हैं। क्या बता रहे हैं आप? जंगलों के बीच में बना हुआ एक स्थान है विभूतिनाथ मंदिर, अच्छा। जहाँ पर हम लोग जल ग्रहण करने के लिए, जल लेने के लिए जा रहे हैं, अच्छा। वहाँ से जल भर करके विभूतिनाथ बाबा को चढ़ाया, अच्छा, अच्छा। जाता है। तो आप सुन सकते हैं इनकी बात, इन्होंने क्या क्या बताया है आप लोगों को। अब ये देखिए, रास्ता देख रहे हैं आप, मिट्टी है, कंकड़ है, कच्चा रास्ता है, जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए आप, जंगल का इलाका, पानी निकल रहा है, ये गीला है। इस पे हम भी इस पे चढ़ेंगे, ये देखिए इस पे चढ़ गई हूँ मैं। मैं चल रही हूँ धीरे 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 धीरे। ये देखिए इधर ऐसा है, नीचे कुआं आने ही वाला है, आपको दिखाएंगे कुआं में पानी भरेंगे। उस कुएं में पानी अपने आप आता है, पता नहीं है कहाँ से आता है। ये देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ शेर वेर भी आ जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं, देखिए पहुँच चुके हैं कुक, अब बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग पहुँचने वाले हैं, कोई बैठा हुआ है पता नहीं। ये देखिए वो सामने आपको दिख रहा है, यही कुआं है। फिर नीचे सीढ़ियाँ बनी हैं। मेरे वीडियो बने रहिए, आप देखिए पूरा वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखिए ओफो, कितने सारे कंकड़ हैं। छोटे से भोलेनाथ की शिवलिंग कुएं के पास में, ये है कुआं। से मछली दिख रही है आपको, देखिए हमें तो नहीं दिख रही है, छोटी छोटी सी है, ध्यान से देखिए। मेरे हस्बैंड कुएं से पानी निकाल लिए हैं, कुएं का है निकल रहा है, इतना गर्म पानी है कि ऐसा लग रहा है चलता हुआ पानी। वो हम चढ़ाने आ रहे हैं, लोग नहीं वहाँ चल रहे। चलो चले, अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने।
और यहाँ से भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, मेन मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग चलते जा रहे हैं। आओ बाबू, ये बिल्कुल ना जैसे पैताल गंगा है ना ऐसी लग रहा है यहाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ऊपर की चढ़ना पड़ता है ना, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, पक्का है। सीधा पकड़िए फोन। हम जा रहे हैं, हमारे साथ साथ कितने लोग दर्शन करेंगे इसके, हमें इसका पुण्य मिलेगा। नहीं हुई है क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, इसमें सांप आप रहता है। ले चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं जल चढ़ाने। बने हमारी वीडियो बने रहिए, देखिए दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। का मंदिर आ चुका है, हम लोग पानी जल भर चुके हैं, अब यहाँ पे चढ़ाएंगे। ये देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं, जल ले आए हैं, अब यहाँ से प्रसाद लेंगे फिर जाएंगे चढ़ाएंगे। हो चुके हैं, भीड़ इतनी नहीं है यहाँ पे, इतना मतलब दर्शन जल्दी आराम से हो जाएंगे हम लोगों के, और मौसम भी अच्छा है। और आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मंदिर आ चुका है और हम लोग चढ़े हैं ऊपर। देखिए शिवलिंग, ये नंदी बाबा हैं गेट पे बैठे, और ये हम लोग अंदर जल चढ़ाएंगे। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का मंदिर है, हम लोग इसे दर्शन कर चुके हैं। अब हम अन्नपूर्णा माता देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। कहते हैं अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बना हुआ है, देख रहे हैं आप सामने, देखते रहिए। जा रहे हैं अन्नपूर्णा देवी मंदिर। यहाँ की क्या मान्यता है कुछ बताएंगे? अन्न वगैरह चढ़ता है यहाँ, जो लोग खेती वेती होती तो यहाँ पहला अनाज चढ़ाने आते हैं। कहते हैं अन्नपूर्णा देवी को चढ़ाने से वो बरकत होती है उनके घर में। तो आप देख रहे हैं सामने, बने रही ये वीडियो पे। हम लोग आ चुके हैं, अब माता देवी के दर्शन करेंगे, अब इनके अन्नपूर्णा देवी के आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा और सब्र बनाए रहिए मेरे वीडियो पे, और आपको भी दर्शन हो जाएंगे। ये मैंने भगवान के हाथ जोड़े और मैं अंदर जा रही हूँ। आप सब अन्नपूर्णा देवी माता बैठी हुई है, देखिए आप। हम ये परिक्रमा लगा रहे हैं माता की, हे माता हमारी इच्छा पूरी कर दो, वापस हो लो इधर से ही, हमारे सारे संकट दूर कर दो मात। देखिए आप, जंगली जंगल है सब। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग दर्शन कर चुके हैं और हम निकलने वाले हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टाटा।